सीधे पीएम मोदी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ओमान के मस्कट में एक बहुत पुराने शिव मंदिर में पहुंचे। आपको बता दें करीबन 250 साल पुराना यह मंदिर है और ओमान जो कि एक मुस्लिम देश है वहां के बहुत ही गिने चुने और प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक शिव मंदिर है। 250 साल पुराना है यह मंदिर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। इसके पहले यूएई में भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक मंदिर का वहां शिलान्यास किया था और अब ओमान पहुंचे हैं तो ओमान के मस्कट में 250 साल पुराने शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि ओमान में भारतीयों की काफी बड़ी संख्या है और करीब जो 23-24 लाख की जनसंख्या है ओमान की उसमें से 8 लाख सिर्फ भारतीय है, यानी करीब 20% से ज्यादा भारतीय वहां पर है और उसमें भी गुजरातियों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या वहां पर है, हिंदुओं की काफी बड़ी जनसंख्या वहां पर है और उन्हीं के लिए यह मंदिर है। करीब 250 साल पुराना यह मंदिर है। ओमान खाड़ी देशों में सबसे नजदीकी देश भारत के हिसाब से अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति देखें, लेकिन सांस्कृतिक और आपसी रिश्तों की बात करें तो भी शायद खाड़ी देशों में ओमान सबसे नजदीक है भारत के। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि ओमान के शासकों की पढ़ाई लिखाई का एक इतिहास रहा है भारत में, जो मौजूदा वहां के शाह हैं, सुल्तान हैं, सुल्तान कयूब बिन सईद अल सईद, उन्होंने पुणे में अपनी पढ़ाई की थी और उनके अध्यापकों में से एक थे श्री शंकर दयाल शर्मा जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने, और उनके जो पिता थे यानी जो सुल्तान कयूब के पिता थे वो भी भारत में पढ़ चुके हैं। अजमेर के मेयो कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी। और आज ओमान की इकोनॉमी हो, वहां की संस्कृति हो, वहां की जनसंख्या हो, हर एक में भारतीयों का एक बड़ा योगदान है। कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके प्लांट वहां पर हैं। ओमान के शदीद शहर में जिंदल स्टील का प्लांट है, इसके अलावा भी कई स्टील प्लांट्स वहां पर अलग अलग कंपनियों के हैं, भारतीय कंपनियों के। ओमान के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। कल उन्होंने सुल्तान कयूब स्टेडियम में एक काफी लंबी स्पीच भी दी थी, वहां पर 25,000 भारतीय पहुंचे थे स्टेडियम में। और आज दूसरा दिन है ओमान में प्रधानमंत्री मोदी का और शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और कहा जा रहा है कि जो मोतीश्वर शिव मंदिर है यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी किसी मस्जिद में भी वहां पर जा सकते हैं जो वहां का बहुत पॉपुलर मस्जिद है। और कल की जो स्पीच है उसमें एक खास बात यह भी थी कि जिस सुल्तान कयूब स्टेडियम से प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच हुई, प्रधानमंत्री मोदी जहां खड़े थे वो रॉयल बॉक्स में खड़े थे। वो रॉयल बॉक्स अब तक डिजिग्नेटेड है सिर्फ शाही परिवार के लिए, शाही परिवार के अलावा कभी किसी ने आज तक ओमान के इतिहास में उस रॉयल बॉक्स से स्पीच नहीं दी, भाषण नहीं दिया। लेकिन एक एक्सेप्शन यहां प्रधानमंत्री मोदी के लिए, पहले आप कह सकते हैं व्यक्ति जो कि शाह परिवार के नहीं है, शाही परिवार के नहीं, उसके बावजूद उन्होंने वहां से भाषण दिया। तो काफी बड़ा मंदिर है मोतीश्वर शिव मंदिर, 250 साल पुराना यह मंदिर है ओमान के मस्कट में। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं दृढलिङ्गधीरं राजीवनेत्रं नतमस्तकार्थम् हनुमान जी की मूर्ति भी है, शिव मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है। रामेण
ब्रह्मा शुंभ इंद्र सेवनिशं वेदांत वेदर्त्यो रामाख्यम जगदीश्वर मित्रगुरु माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चुड़ावनी ब्रह्मा भ्रायत प्रांतकारी भारु शशि पोनिशद बदरच दुरस्त शुक्र सनिदा हो केतु सर्वे सह शांति गुरु ब्रह्मतु निवेद दिन विद्यामि गायत्र मंत्र मोक्षणम मा दिन मुद्रा जम मा नाभ्या आचितम दरिक्षको शेषो देवो समवर्तता पदभ्या भूमि सा श्रोत्र तथा लोकान अकल्पयन्न ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम प्रदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा प्रभा भोष्टम समर्पयामि तथा भोष्टम समर्पयामि मध्यमानं समर्पयामि मंगक्षारं समर्पयामि अस्मक्षारं समर्पयामि नरवर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि दुपम अर्पयामि दिवं दर्शयामि नैवेद्यं नैवेद्यामि ऋणदक्षिणा समर्पयामि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नाम तो इसका मोतीश्वर शिव मंदिर है, लेकिन यहाँ पे अन्य देवताओं की भी मूर्तियां हैं। अभी आपने देखा हनुमान जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे, पीछे राम दरबार की तस्वीर थी। और जो शुरुआत करीब 250 साल पहले यहाँ पर शिव मंदिर के साथ हुई थी, और अब कई अन्य देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया गया है शाल ओढ़ाकर, और कोई स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। तो ये दो दिवसीय दौरा है ओमान का प्रधानमंत्री मोदी का। तीन देशों की यात्रा पर निकले थे। ये वहां के लोकल स्थानीय लोग हैं।